हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं घर में लगने वाले बोर्ड की संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। तो जो घर में मेन बोर्ड लगता है सब कुछ टोटल इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पे हमने एक बोर्ड का डायग्राम बनाया है। इसमें हमने एक मीटर बनाया है, एक कटआउट बनाया है, दो फ्यूज बनाया है और एक फाइव पिन सॉकेट बनाया है। दो फ्यूज बनाया है तो इसमें कैसे कनेक्शन होता है सब कुछ टोटल बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मीटर है। तो जब भी हम खंबे से अगर लाइट को ला रहे हैं, न्यूट्रल और फेस को ला रहे हैं, तो न्यूट्रल और फेस को लाएंगे तो जो हमारा मीटर है पहले यहां से एक से इन होगा और दूसरे वाले पॉइंट से आउट होकर कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा, कटआउट में चला जाएगा। तो कटआउट में चले, कटआउट इसलिए लगा जाता है, कटआउट में एक इंडिकेटर लगा होता है। जैसे ही लाइट आती है तुरंत बताने लगता है कि हाँ कमरे में, हमारे रूम में या हमारे पैनल बोर्ड में लाइट आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइट को आउट कराएंगे। लाइट को आउट कराने के आप यहाँ पे देख सकते हैं दो फ्यूज बना, तो एक इस फ्यूज में दे देंगे, दूसरा यहाँ और दूसरे वाले से निचले वाले से आउट करा दे। फ्यूज में आप कहीं से भी नीचे ऊपर कहीं से भी आउट करा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फाइव पिन सॉकेट है, फाइव पिन सॉकेट में इसमें डायरेक्ट इन दोनों में कनेक्शन कर देंगे तो जो हमारी फाइव पिन सॉकेट है इसमें हमारी मेन लाइट डायरेक्ट आ चुकी है। यहाँ से आप देखेंगे तो पहले मीटर में आई, मीटर के बाद यहाँ पे कटआउट में आई, फिर जाके फ्यूज में आई, फिर जाके फाइव पिन सॉकेट। फाइव पिन सॉकेट से अब हम क्या करेंगे, अगर हमें रूम में किसी घर में लाइट को आउट कराना है या हमें स्टेबलाइजर लगाना है, अगर हमें स्टेबलाइजर लगाना है तो हम स्टेबलाइजर मान लीजिए स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर की जो मेन लीड होती है यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगा दीजिए। मतलब इसमें प्लग जो होता है, थ्री पिन का प्लग स्टेबलाइजर में जो होता है इसमें लगा के खोज देंगे या लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टेबलाइजर के पीछे का फाइव पिन सॉकेट बना होता है, वह होता आउटपुट लाइट का, ये होता आउटपुट। आउटपुट लाइट का आउटपुट है। इससे हम रूम में कहीं भी किसी भी जगह लाइट को आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहां से आउट करा रहे हैं, आउट कराने के बाद हमें मान लीजिए एक तो बल्ब जलाना है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से आउटपुट से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे और जो भी हमारा बल्ब रहेगा यहां से ब्लो करने लगेगा। तो इस तरह पैनल बोर्ड की वायरिंग होती है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।